الحمد لله الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على من لا نبي من بعده سيدنا ومولانا محمد المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأزواجه وعترته أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتبع السبيل من أناب إليه صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بارگاہ رسالت والے رسالت میں جھوم جھوم کر ہدیہ درود پیش کر لے اور پڑھیں اللہ سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اکسٹھواں سے حضور مخدوم الملت محدث اعظم قدس سره اور اس کی بے شمار برکتیں مولا کریم ہم سب کو نصیب فرمائے اس انتہائی پر نور پر سرور محفل حضور منبر نور پہ جلوہ فروز میرے والد گرامی حضور شہنشاہ خطابت شہ سوار سمند فصاحت و بلاغت سیاہ عالم خطیب عالم حضرت علامہ و مولانا شاہ سید محمد ہاشمی الاشرف الجیلانی متولی و سجادہ نشین درگاہ حضور محدث اعظم ہند صاب اللہ تعالی و مرحبا و متعن اللہ تعالی بطول حیاء ساتھی سال میرے انتہائی کرم فرما برادر گرامی وقار نبیر حضور محدث اعظم ہند شیخ طریقت حضرت علامہ الحاج استاد سید محمد جیلانی الاشرف الجیلانی حفظ اللہ تعالی شہزادہ سید الصوفیہ حضرت علامہ مولانا سید شاہ حسین مستقل دعا پہ دعا دیتے جا رہے ہیں وہ بہت سارے سادات کرام جو مکنپور شریف سے نمائندگی کر رہے ہیں بدایوں شریف سے کر رہے ہیں بریلی شریف سے نمائندگی ہو رہی ہے اور مختصر میں کہا جائے تو علماء کرام شورا اسلام اور میرے ساتھ نے اس پوری رات میں کی پوری جوانی کے ساتھ بیٹھی سنی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام کل محفل کل اور اس میں آنا بڑا ضروری ہے کیونکہ اسی میں کل ہے فجر بعد ہی قرآن خوانی ظاہر ہے کہ سونا بھی ضروری ہے جتنی بیداری رہے اتنی تھکان رہے وفاداری کے ساتھ تو فروز کیا تھوڑی ذمہ داری کے ساتھ بھی کر دیا اسی لیے یہ ارادہ تھا اور یہ معمول بھی ہے اس خانقاہ کا کہ 15 رجب المرجب کا جلسہ 12 بجے صلاۃ و سلام کے ساتھ ختم ہو جائے 12 بج چکا جب مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے کیونکہ میں جانتا ہوں کہ یاد ایک مہمان کی حیثیت سے نہیں میزبان کی حیثیت وہ انتہائی عظیم ترین ذمہ داری جو میرے بڑے ابو جان حضور رئیس المحققین سند المفسرین
शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन हजरत अल्लामा शाह अल हमजा सैयद मोहम्मद मदनी मियां शरफियुल जिलानी मद्दा अल्लाह तआला बिकुल हयात ने मेरे वालिद गिरामी को इस फकीर शफी को अता की बस उसी का हक अदा करने का और सुभान अल्लाह। अब किसी तकलीफ का ना मौका है ना माहौल है, बस दो तीन शेर नस्ल में सिर्फ ये देखने के लिए नस्ल तो तरन्नुम के आदि हो चुके हैं। और देखे मैंने कहा था मेरे खानवादे के बड़े अजीम बुजुर्ग मुजाहिद दौरा मौलाना मुजफ्फर हुसैन चौचवी रहमतुल्लाह अलैह ने एक बड़ा इंकलाबी कलाम कहा था, उसी रतीफ को मैंने अपनाया और दो तीन शेर सुनाता हूँ। तहत इसलिए ताकि हर चीज मां तहत रहे और ना ऊपर चली। कि शरारत हासिलाने वक्त की देखी नहीं जाती, शरारत हासिलाने वक्त की देखी नहीं जाती, ये गम तो देख लेते हैं खुशी देखी नहीं जाती, ये गम तो देख लेते हैं खुशी देखी नहीं जाती। शरारत हासिलाने वक्त देखी नहीं जाती, ये गम तो देख लेते हैं खुशी देखी नहीं जाती, ये गम तो देख लेते हैं खुशी देखी नहीं जाती, और उठा कर दे दिया था जान ना अहलों के हाथ, उठा कर दे दिया था जान ना अहलों के हाथों में, इमाम मैकदा की बेरुखी देखी गिरोहे आशिका, तवज्जो चाहूंगा आशिका ने इसे आजम की थी, गिरोहे आशिका देख आले सुबह भी देखा है दोपहर में भी देखा और अभी भी देख रहे, और आशिका का गिरोह गिरोहे आशिका में देख आले पैगंबर को मुखालिफ कह उठाई आशिकी देखी नहीं, ये आशिकी देखी नहीं, मुखालिफ कह उठाई आशिकी देखी नहीं जाती, और आसान नबी को यजीदी कह उठाई आशिकी देखी नहीं, ये दो है आशिका में देखकर आले पैगंबर को यजीदी कह उठा ये आशिकी देखी नहीं जाती। और हालात के तनाजुर में इस वक्त उम्मत मुस्लिमा इंतहाई मजलूम माहौल से दौर से गुजर रही है, तवज्जो चाहूंगा कि किया बदनाम दहशत गर्द कर कौम मुस्लिम, किया बदनाम दहशत गर्द कौम मुस्लिम को कि जालिम से हमारी बर्तरी देखी नहीं जाती, हमारी बर्तरी देखी नहीं जाती, यजीदी कह उठा ये आशिकी देखी नहीं जाती। दुरूद पाक सैयदना जद्दिल हसनी वल हुसैन वाला ने सैयदना जद्दिल हसनी वल हुसैन सलातुल्लाह व सलामुहु अलैहि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कलाम जो मैंने सुनाया कोई ताला नहीं था, कहीं हो जाए किसी के दिमाग में ताजगी आ जाए तो अलग बात है, तीन चार साल पहले कहा तवज्जो चाहूंगा पूरी बेगानगी, अगर किसी गली या लूप लाइन में गए हुए सीधे स्टेट हाईवे पे तर्जमा गौर से सुन ले ताकि न किसी तर्जमानी की जरूरत पड़े न किसी चीज से, अल्लाह की मेहरबानी होगी तो इंशाअल्लाह समझने में यकीन आसानी होगी। वत्तबिउ सबील मन अनाबरी राह चल उसकी जो तुझे मेरी जानिब लौटा के रुजू लाए, गैर आला हजरत का तर्जुमा है और इसे समझने के लिए भी जहन जरा आला चाहिए, मैं थोड़ा सा आसान कर लूंगा, पीछे पीछे चल उसके पीछे पीछे चल उसके जो तुझे मेरी तरफ लौटा के आया, यानी सबके पीछे चलने की बात नहीं हो रही, सिर्फ उसी के पीछे चल जिसकी मंजिल मेरी जानी मेरी तरफ लौटा के, मेरी तरफ लौटा
मतलब देखिए कितने लोग कैच कर रहे हैं, पूरी तवज्जो कि नेक लोगों को फॉलो, फेक लोगों को पहचान ही बोल रहे थी मैं आईडी रहा है। तो अगर नेक है तो नेक आईडी, फेक है तो फेक। पीछे पीछे चल, जो तुझे भटकाए अटकाए लटकाए ना सीधे मेरी तरफ बुला। जाहिर सी बात है कि लौटना वही होता सफर जहां से शुरू हुआ। अगर मैं कहूं कि मैं किचौचा शरीफ से चला, बसखारी गया, वहां से टांडा गया, फैजाबाद गया और पलट के लखनऊ, और कहेंगे हजरत ये कैसा पलट गया, पलटा तो वही जाता है जहां से सफर शुरू हुआ। हाँ, अगर मैं ये कहूं कि मैं किचौचे से निकला, चार पांच दिन घूमा, पलट के किचौचे आया, तो लौटना कोई बात नहीं कि उसके पीछे चल जो तुझे वही लौटा दे जहां से तू चला है। मंदिर भी क्लियर है, जाता भी क्लियर है, रात भी क्लियर है, बस आईडी परफेक्ट होनी चाहिए। तवज्जो, आईडी परफेक्ट होनी चाहिए। आप सुनते हैं और इंशाल्लाह सुनते रहेंगे कि पहले आत्मा जगत में थे, आलमे अरबा सफर कंटिन्यू रहा, सुनने अब में आए सफर कंटिन्यू रहा, ताकि शिकम में आए सफर चलता रहा। यहां से भी हम कब्र में जाएंगे सफर चलता रहा, कब्र से हश्र में जाएंगे सफर चलता रहे, और इंशाअल्लाह मुस्तफा की शफा शा मेरे हाल रही तो फिर महशर से जन्नत में जाएंगे। मतलब जाना है जन्नत की मगर दामन सबका ना पकड़ो, उसी का पकड़ो जिसे उसका पता सही मान। सही तौर पे मंजिल है खुदा की, मगर मामला ये है कि हम उसे देख नहीं सकते, उसे छू नहीं सकते, उसे सूंघ नहीं सकते, उसे चख नहीं सकते, उसे छू नहीं सकते, हवा से पंखा से हम उसका इदराक नहीं कर सकते, फाइव सोर्सेस ऑफ नॉलेज से हम उसे पहचान नहीं सकते, और राजी इसी को करें तो करें। इस मौके पे मेरे वालिदे गनामी इंशाल्लाह कल इनका पुरजोर और पुरजोश के नाम इंशाल्लाह सुनेंगे, और उसी खुतबे में इंशाल्लाह ताला इस कोर्स का इख्तिताम भी होगा। हजरत एक मिसाल बड़ी प्यारी देते हैं और मैं इसलिए दोहराना चाहता हूँ क्योंकि मैं इनके जुमलों का अमीन भी और इनका फितरी जानशीन वो जुमला देखिए, हुसैनी मियां भी आ गए, अब जो बचा उसके लिए माशाल्लाह बहुत ही शानदार खिताब, ऐसा निस्बती रंग विरोध दिया इस माहौल में, जहां देखो वहां इस बाबूसलमा हुसैनी माहौल छोड़ के चले। मौला करीम ने और सलासते रवानी अता फरमाए, उसने बयानी अता फरमाए, ये मोहद्दिस ज़ियारत की तीसरी नस्ल है और अभी चौथी नस्ल भी आपने ली, और इंशाअल्लाह नस्ल बाद नस्ल ये सिलसिला जारी है। सुभान अल्लाह, हजरत एक मिसाल देते हैं हमारे साथ, अब आना बताओ कि अगर आपको मेहमान को राजी करना क्या करेंगे, यू हैव टू हैव ऑप्शन, यू वांट टू प्लीज योर गेस्ट, you have two options, whether you can ask him directly or you can ask someone who is nearest to you. एक साथ को ना ये सवाल हुआ कि मैं अच्छे से अच्छा खाना बना के खिला, खाना बड़ा शानदार, मगर इंतफाक ऐसा था कि मेहमान को पसंद नहीं आया, उसकी पसंद कुछ और, मेहमान कुछ होगा इधर वाले बोल रहे क्यों अच्छा तो है लेकिन अकॉर्डिंग टू विल नहीं, उसकी पसंद के मुताबिक नहीं, तो मेहमान को राजी करना है तो मेहमान की पसंद का खाना खिलाओ, इसी तरह मेहमान को राजी करना तो रहमान की पसंद।
हमें जो करीब होता है वही तो हमीद होता है। मौलाना नईम साहब से पूछ नूरानी मियां को क्या पसंद है बता देंगे, हजरत शेख तरीकत को क्या पसंद है बता देंगे, गाजी मिल्लत को क्या पसंद है, क्यों करीब। और जो करीब होता वो हबीब होता, जो जितना करीब होता वो उतना हबीब होता। बिना कश्ती जिस तरह मेहमान को राजी करने के लिए मेहमान की पसंद जानना जरूरी है, ऐसे ही रहमान को राजी करने के लिए रहमान की पसंद जानना जरूरी है। मेहमान की पसंद उसने बताया जो मेहमान के करीब है, रहमान की पसंद उसने बताया। शरीयत के सिवा इसलिए नहीं थर थर को
निकल जाए और कहीं तो कहीं तकरीर को बढ़ा के करो तो करना आसान होता है, घटा के करो तो बड़ा वो होता है। मैं बिल्कुल घटाते इतना घटाना चाह रहा हूँ कि वक्त के कूजे में बात ऐसी समा जाए कि अगर कोई कीना लेके भी आया हो तो मोहद्दे से आजम ने दर से मदीना ने क्यों छा लिया। मिसाल में इस मौके को हजरत सैयदना हुज़ैर अलैहिस्सलाम परवाह के मौलाए कायनात है यानी कि अल्लाह नाम सुना है ना हजरत हुज़ैर अल्लाह के नबी। शान ये है कि यहूदी कौम उन्हें खुदा माधल्ला कहता है, माधल्ला जिस तरह ईसाई लोग हजरत ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम को माधल्ला खुदा कहते हैं, खुदा का बेटा कहते हैं, ऐसे यहूदी लोग हजरत हुज़ैर को खुदा कर देते हैं माधल्ला। पुराने बात में है कि सुबह मारा है वकौल इब्ने यहूद हुज़ैर को निकल दे वकौल इब्ने नसार मसीह यहूदी कहते हैं उज़ैर अल्लाह के बेटे, ईसाई कहते हैं ईसा अल्लाह के बेटे हैं और हम कहते हैं कि दोनों अल्लाह के बंदे हैं। उसी से एक दिन हजरत बड़ी उजली हुई वादी से गुजरे और उस उजड़ी हुई वादी का कब्रस्तान कैसा हमारे गुजरात से बहुत से लोग आए और खासकर हमारे दक्षिण गुजरात में जो कब्रिस्तान ऐसे होते हैं उसको मैंने खुद देखे ऐसे कि देखो तो मरने का चीज है, इतने ऐसा लगे फूलों का बाग। असली कब्रिस्तान देख रहे हैं तो कभी यूपी बिहार झारखंड इंसान तो इंसान जिन्नात में आने से डरते हैं। एक जगह ठोकर लगे तो कब्र का तख्ता खुल गया, देखा तो हड्डियों का कंधा ढांचा कहां गया, अल्लाह से निकल। थोड़ा और आगे गए दूसरी कब्र पहले से खुली हुई थी, देखा हड्डी का ढांचा जो है कंधा सूख कर बिल्कुल मुरझा चुका लकड़ी की तरह लगा। ऐसे दो तीन और देखी ठहर गए आसमान की तरफ मुंह किया, रब ताला की बारगाह में अर्ज किया ए अल्लाह अन्ना यहली हादी हिल्ला बादा मौत मालिक के जिनकी हड्डी पसली में देख चुका हूं सूख के मुरझा गई है, इन्हें तू दोबारा कैसे जिंदा फरमाएगा, दोबारा तू कैसे रूह के साथ जिस्म के साथ उठाएगा। अल्लाह पाक कादिर मुतलक है, उसने ये जवाब नहीं दिया कि ऐ उज़ैर जब मैं इंसान को नुतफ़े पलीद से लकत कर रमना बनी आदम का ताज पहना सकता हूं, तुझे तो हड्डी है इसमें पूरा डीएनए है इससे कैसे क्या बना दूंगा, ये जवाब नहीं दिया बल्कि प्रैक्टिकल अमली तौर पर जवाब दिया। अमली तौर पर जब कहा अन्ना यहली हादी हिल्ला तो हजरत उज़ैर पर अल्लाह ने 100 साल तक मौत तारी कर फअमातहु अल्लाह मीनतान 100 साल मौत को समझते हैं। अच्छा जब आएगी तो समझ में आती है, लेकिन उस वक्त समझने के लिए आप नहीं होते। 100 साल तक मौत आई, मौत कहते हुआ इन्फिसाद रूह अली जसद तवज्जो रूह का जिस्म से अलग हो जाना यही क्या है, यानी 100 साल हजरत उज़ैर का जिस्म पाक को फिलिस्तीन में और रूह मले आना में तब से रूह हो चुकी तब से मौला बना 100 साल बाद क्या होगा थुम्मा बाअथ अल्लाह पाक ने उस रूह को जिसमें उज़ैर ने पलटा जब पलटी रूह तो हरकत आई बॉडी में हजरत उज़ैर के खड़े हो गए, रब ताला ने फरमाया ऐ उज़ैर कम लबिस्त तवज्जो रहे हाउ मेनी डेज डिड यू स्टे कितने दिन आराम किया। हजरत उज़ैर ने अपना
नाखून देखा, बाल देखा, कपड़ा देखा, सब उसके है किया है अल्लाह लबिस्तु यौमन व बादे। एक दुनिया निकलती है, ये एक दुनिया और कुछ आवाज ही नहीं हुई है। एक दो दिन नहीं पर लबिस्तु भी अता, बल्कि तूने सौ साल तक आराम। अब आगे बढ़ने से पहले मैं बात कहना चाहता हूँ, अल्लाह करे हर दिल वाले के हवाले से सौ साल हजरत उदय की हालत में कोई तब्दीली नहीं, न नाखून को पढ़ा हुआ है, न बाल की हालत बिगड़ी हुई है, न कपड़े पे दर्द है, न खाना खराब, न पानी खराब, हंड्रेड ईयर्स न मिट्टी उन्हें मिटा सकी, न मौत उन्हें मिटा सकी, न मौत का कोई असर उनको कुछ कर सका। अरे जाहिलों से कहो जो नबी को मानकर मर के मिट्टी में मिलने वाला कहते हैं, इनसे कहो कि जब उज़ैर नबीउल्लाह की शान ये है तो मुस्तफा हबीबुल्लाह ने फरमाया है उसे तुझे यकीन नहीं है कि तूने सौ साल कैसे गुजारा। उन्दुर इला तआमी वशराबी लम यतसन, अपने खाने को देख, पानी को देख, दाने को देख। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि उसमें चना भी था, चने का सत्तू भी था, शहद भी थी, हनी, उसमें खजूरे भी थी, गोश्त के टुकड़े भी थे। फरमाया देख सूं लम यतसन, बदबू नहीं आ रही, दुर्गंध नहीं है, बैड स्मेल नहीं, मतलब है उसे मेरे करम ने। अब जो देखे कितने लोग कैच कर रहे, मेरे करम ने तुझे बचाया और तेरी सोहबत में तेरे ताने खाने को बचाया। आगे बढ़ गए कदम हो गए, सिर्फ यही इतना नहीं कहा था पाक फरमाया ये तो तेरे खाने का है, बदबू नहीं आई, सड़ा नहीं, गला नहीं, सौ साल तक फ्रेश है, किसी भी फ्रेशर की जरूरत नहीं पड़ी। अब अपने गधे का नाम आजकल गधा कहीं बोल लो तो लोग चले गया, गधे ही ज्यादा चले गए। गधा हजरत उदय का थोड़ा दूर था, सोहबत से भी दूर था, गुरबत से भी दूर था, थोड़ा दूर था, दूर था। अपने गधे को देख, انظر الى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر الى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما। अपने गधे को देख जिसे मैंने लोगों की निशानी के तौर पर रखा, देख न यहाँ पोस्ट है, न गोश्त है, न खाल है, न बाल है, न चाल है, न ढाल है, न आंख है, न मुंह है, न नाक है, कुछ नहीं, हड्डी का ढांचा तुमने सब में देखा, वही ढांचा। अब देख मैं तेरे सामने इसकी इसका बाल भी बनाऊंगा, इसकी खाल भी बनाऊंगा, इसकी आंख भी बनाऊंगा, इसकी नाक भी बनाऊंगा, इसका मुंह भी बनाऊंगा। अब तो समझ जा मेरी कुदरत, अब तो जान कि जब मैं तेरे सामने सौ साल तक उसे हड्डी का ढांचा बनाकर दोबारा चला फिरा सकता हूँ, तो आए उदय अगर मैं तुझे सौ साल तक और मेरे खाने को बचा लूँ तो है। वाकया तो खत्म हो गया, लेकिन एक बात अर्ज करके मैं अपनी बात की बड़ी तेजी से, गधे की भी निस्बत थी ये शादी की, वो गधा हालत हो जाएगी मगर तुम्हें उठा हालात ने उसे दूर कर दिया या जज्बात ने, लेकिन दूर खाना खराब नहीं हुआ क्योंकि करीब नहीं। यही तो आलम है ख्याल में सवाल किया, ऐसा कैसे बेजान कामों को जिंदगी मिल गई, बेजान कामों को तो जिंदगी मिल गई और चलते फिरते कथे फुरकत ही
जो दूरी हड्डी का ढांचा बन गया का सुन, दानों को इसलिए बचा, खानों को इसलिए बचा कि सारा दाना खाना एक पोटली में था, गठरी में था, एक गठर था, मुकम्मल था और अल्लाह वाले के पीर पर था। मैंने अल्लाह वाले को बचाया उसकी सोबत ने दाने और ये घमंड से चूर इतना दूर बहुत मजबूर घमंड में चूर। मैंने तेरे नाम की निस्बत नहीं तुझसे दूरी देखी हुई है, इसीलिए ये सर भी गया कल भी गया। अब अगर पर तुमसे कहे कि गौस पाक के दर पे ना जाओ, गरीब नवाज के दर पे ना जाओ, मखदूम पाक के दर पे ना जाओ, मुहद्दिस आदम के पास मत जाओ, शेखुल इस्लाम के पास मत जाओ, अगर कोई ऐसा बचे तो झगड़ा मत करना, समझ जाओ। जानवर गौर सीधे कर दू मुर्गी को राम में उसी पे पांच कुत्ते बनी इसराइल का दौर एक बड़ा जालिम और जाबिर वर्ष, ऐसा जालिम और जाबिर की जैसे कि तख्त पे बैठा था अपने बाप को मार के बैठा, इतना जालिम और जाबिर की बाप दादा के जमाने की जो करेंसी थी उसे उसने बंद कर दिया। आज की जबान में कहा जाए तो नोटबंदी कर दी और सिर्फ उसी की उसके सामने चलती थी जो उसकी चलाता था, पूरे सिस्टम को उसने खरीद दिया। तो मैं बात उसकी कर रहा हूं ज्यादा ही बदल लगता है। ऐसा 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 जाबिर कि पूरे मुल्क को अपने कंट्रोल में कर चुका था और बिलखसूस जो अल्लाह वाले बंदे थे अल्लाह 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 करते थे उनसे तो ऐसा दूर हो तो दूर की अगर पता चल जाए तो कत्ल करवा दे। उसी माहौल चंद अल्लाह उस बादशाह से अपने को दूर करने के लिए बताओ, अल्लाह वालों से दूर हो जाओ तो नतीजा देना और बादशाह से दूर हो जाओ तो क्या फायदा है उसको। दूर होने के लिए इरादा किया, अल्लाह जाने उनकी तादाद कितनी थी, तीन थी कि पांच थी कि सात थी कि आठ थी, अल्लाह ही जाने कितनी थी, लेकिन चल पड़ा। थोड़ा सा आगे बढ़े होंगे, शहर की बात नहीं हुआ होगा कि एक कुत्ता उनके पीछे पीछे, इन्होंने कुत्तों कुत्ते को देखा होगा, कुत्ता कुत्ता दोनों टांग उठाया उसके बाद फिर पीछे पीछे, लेकिन पीछे पीछे चलने का फर्क देगा ये पीछे पीछे। फिर वो अल्लाह वालों ने टोका का देख तू कुत्ता धोखे तेरी आवाज सुन के इधर उधर के लोग आएंगे आएंगे तेरी वजह से और फिर उसी सुल्तान के पास ले जाएंगे जा। कुत्ते ने फिर टांग उठाई कि तुम हिलाई जबान बाहर निकाली गया। उसके बाद जब वो आगे बढ़े फिर पीछे पीछे चलते 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 एक गार के एक पहाड़ के पास पहुंचे जिसका नाम कोहे कहर था। उस पहाड़ में एक गार थी जिसे हम गारे कहर कहते हैं। गार भी अजीबोगरीब थी, मगरिब यानी पश्चिम की तरफ से भी थोड़ी सी खुली थी और पूरब की तरफ से भी थोड़ी सी खुली थी, यानी सूरज निकले तब भी गार में रोशनी आवे डूबे तब भी गार में रोशनी आवे, ऐसी यूनिक अल्लाह वाले जिन्हें थे वो सीधे गार के अंदर चले गए। कुत्ते को अपनी हद पता वो अंदर तो नहीं गए मगर वहीं रुक गए। आखिरी बार फिर वालों ने अल्लाह वालों ने उसको रोका और कहा देख अब तो हम अपनी मंजिल पे आ गए, अब हम यहां अल्लाह अल्लाह करेंगे तू जा। कुत्ते के हम से आंसू निकलने लगे, तारीफ में उस कुत्ते का नाम तकबीर रख लेते उसने और इस नाम की शान ये है कि कितना ही कटहा कुत्ता क्यों ना हो तीन बार तकबीर कह दो तो भूखना बंद कर देगा। जब शहर के कुत्ते बंद हो जाते हैं तो फिर खैर
तेरे मिल जाते उठाई काम उठाया लेकिन अपनी राह को भी नहीं अच्छा जाना ही पड़ेगा अपना मंजिल क्या है। कुत्ते ने अपने दोनों आगे की टांगे उठाई अपने मौला की बारगाह अर्ज किया मौला काश इसमें जबान को तू जबान दे इसका नाजिस को तू नाजिस बना देगा काश मैं अपने मिले जज्बात तेरे नेक बंदों पे जाहिर कर देता काश मैं बता देता कि जिस बादशाह के कहर से बचकर ये निकले हैं उसी से मैं भी मजबूर था काश ये समझ जाते कि मैं इनसे कितना प्यार करता ए अल्लाह मुझे जबान दे इतना कहना था उस बेजबान को अल्लाह ने जबान दिया जबान दिया और उस बेजा बेजबान कुत्ते ने उस कितमीर ने कहा वल्लाहि इन्नी उहिब्बु सालिहीन कसम रब्बे जलाल की मैं अल्लाह के नेक बंदों से मोहब्बत करता हूं डोंट लेट मी गो मुझे मत दूर जाने दो मैं इसीलिए तो आपके करीब आया हूं ताकि आपका अपना बन जाऊं मुझे मेरी हद पता है मैं यही रहूंगा आप अंदर रहे मैं आपकी दरवाजे के नीचे वो कुत्ता भी वहीं बैठ गया उसके बैठने की अदा भी इतनी प्यारी थी कि रब ताला ने वो भी बयान कर दी अपनी दोनों टांगों को आगे करके पीछे को आगे पीछे करके बिल्कुल मुंह को लटका के लेट गया और वो अल्लाह वाले भी लेट गए सो गए क्या कितने साल 10-20 साल नहीं तो 100-200 साल नहीं सलाह कभी कतिन सिनी नवसला दो भी साल 309 साल 309 years स्टेप डीपली 6-6 महीने पे करवट बदल दी 309 साल तक उधर वो असहाबे कहर सोते रहे और इधर उनका ये गुलाम कुत्ता भी 309 साल तक सोता रहा वो भी 6-6 महीने पे करवटे बदलते ये भी 6-6 महीने पे करवटे बदलता न 309 साल तक उनकी नींद खुली न इसकी नींद खुली और कहीं मेरे नेक बंदों को कहीं मिठा ना दे कहीं बेदार ना कर दे अल्लाह ने ऐसा निजाम है फलक ही बना कि कुरान की आयत बता रहा है वो तरह शम्स इदा तला तसरा बदुल कहफी रात अल यमीन व इदा गरबत तकरीद हुंदा का शिमाल जब सूरज निकलता था तो उसकी किरणें कह कह के कोह में ना जाए मैं सूरज को दाहिनी तरफ घुमा देता था और जब वो डूबता था तो कहीं किरणें अंदर ना आए मैं बाई तरफ घुमा देता था इनके लिए तो ये और खुदा खुले आसमान में छू रहा 309 साल तक कुत्ते को नींद पैदा न कर सकी उठा न सकी आवाज आई सुन यही तो पीछे पीछे चलने का राज है पीछे पीछे चलने का राज अल्लाह ने निजाम फलक ही बदल कर अपने नेक बंदों को 309 साल तक सुनाया और नेक बंदों की सोबत ने अपने बेजबान कुत्ते को भी अब आखिरी एक बात ये कह दूं कि अगर 4-5 लोगों की किसी के घर में दावत और साथ में एक साहब ऐसे शौकीन हो कि कुत्ते के बगैर कहीं जाते ही ना 5 लोग हैं छोटा कुत्ता दावत चाहती मेजबान ने पूछा आप लोग कितने तो क्या कहिए अगर 5 है तो क्या कहिए 5 है 4 है तो कहिएगा 4 ये थोड़ी ना कहिएगा हम 4 हैं 5वां हमारा कुत्ता ऐसा बोलो डंडा मारेगा मेजबान इतना घटिया हमें समझते मैंने तेरे कुत्ते को दावत थोड़ी दी थी हम 5 हैं छठा हमारा ऐसा बोलोगे नहीं बोलेंगे तौहीन समझी जाएगी मेजबान ड्राइवर को तो लोग काउंट करते नहीं कुत्ते तो कहेंगे चार के साथ 5-5 ड्राइवर हो तो काउंटिंग में नहीं आती खा लेता है कुत्ता तो कोई सवाल ही नहीं लेकिन मेरे दोस्तों अल्लाह ताला की सोहबत की शान उनकी गुरबत की पहचान दिल अगर मैं जबान
ويقولون خمسة وسادسهم قلبهم رقم بالليل ويقولون سبعة وثامنهم قلبهم لوگ سوال کریں گے کہ اصحاب کہف تین تھے چوتھا ان کا کتا تھا کچھ کہیں گے پانچ تھے چھٹا ان کا کتا تھا کچھ کہیں گے سات تھے آٹھواں ان کا کتا تھا یار تعداد پوچھی جا رہی ہے کہف کے اصحاب کی گنوان بنایا جا رہا ہے بے زبان کتے کو تو آواز آئی کہاں سن وہ آگے آگے چل رہے تھے پہنچ گئے یہ پیچھے پیچھے چل رہا تھا وہ تم شیخ الاسلام کے غلام جسے مریدوں نے یا فیک آئی ڈی کے پرچاروں نے شیخ الاسلام نہیں محدث اعظم کی نگاہ میں بنایا ارے جب حافظ ملت کی تربیت علامہ پریابی سنگت علامہ شمس الدین قاضی چودھری کی ہدایت محدث اعظم ہند کی صحبت اور مختار اشرف کی روحانیت ہو تب جا کے شیخ الاسلام نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ فیضان حضور شیخ الاسلام سبحان اللہ اس لیے سر کے پیچھے پیچھے میں صرف اسی کے پیچھے پیچھے چلو جو وہاں تک پہنچ جائے جس کا پہنچانا گارنٹی کے ساتھ وہاں تک پہنچ جائے اس کے پیچھے پیچھے چلو ابھی کچھ کنفیوژن ہے ابھی ہے نیک لوگوں سے کنفیوژن دور کرو فیک لوگوں سے دور نہیں کرو نیک لوگوں سے مل کر کنفیوژن دور کرو آج کنفیوژن ہے 10 سال بعد سمجھ میں تو ہفتوں میں سمجھ میں آتا ہے مگر جب ولی فتوا دیتا ہے تو برسوں میں سمجھ میں آیا تبھی تو کل تک جو شیخ الاسلام کی کرامت نہیں تو اور کیا ہے کہ آج وہی لوگ حضرت کے نام سے مدنی چلے چاہے تقویٰ ہو یا فتویٰ ہو نہ سمجھ میں آنے کو الجھو مت بس اپنے شیخ کو دیکھو ان کی نگاہ کو دیکھو ہمیں جب بے زبان کتا وفاداری کی توک گلے میں ڈال کر جنتی ہو سکتا ہے تو پھر مدنی مدنی کہنے والا وہی Thank you.